राजस्थान में सरकार गिराने की कथित साजिश के मामले में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ सामने आया है। इस पूरे मामले की जांच कर रही राजस्थान पुलिस की SOG ने विधायक खरीद फरोख से जुड़ी तीनों FIR करीब 28 दिन की जांच के बाद क्लोज कर दी हैं। साथ ही SOG ने ये भी कहा है कि इस पूरे प्रकरण में कोई मामला ही नहीं बनता। SOG के वकील संत कुमार ने कोर्ट में बताया कि इस मामले में हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। इसके बाद कोर्ट ने इस केस में गिरफ्तार किए गए आरोपी संजय जैन, भरत मालानी और अशोक सिंह को रिहा करने का आदेश दे दिया। हालांकि संजय जैन अभी एंटी करप्शन ब्यूरो की 5 दिन की रिमांड पर हैं, इस वजह से वो फिलहाल बाहर नहीं आ पाएंगे। गहलोत ने राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश रचने और विधायकों की खरीद फरोख के मामले की जांच SOG को सौंपी थी। SOG ने 10 जुलाई को मामला दर्ज किया था और दावा किया था कि एक तस्कर का मोबाइल सर्विलांस पर लेने के दौरान राज्य सरकार को गिराने की साजिश का पता चला है। SOG ने पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी नोटिस जारी किया था। ये मामला राजद्रोह की धाराओं के तहत दर्ज हुआ था और इसी के बाद राजस्थान में सियासी बवाल शुरू हो गया। सचिन पायलट नाराज होकर अपने समर्थक विधायकों के साथ जयपुर से बाहर चले गए और पूरा विवाद आगे बढ़ता चला गया, जो अब भी जारी है। 14 अगस्त को विधानसभा सत्र से पहले हुए इस चौंकाने वाले घटनाक्रम को राजनीति के जानकार किसी सियासी चाल से भी जोड़कर देख रहे हैं। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार, अर्थव्यवस्था और चीन के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अब आशा वर्कर्स के हड़ताल पर जाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि आशा कार्यकर्ता सही मायने में हेल्थ वॉरियर्स हैं, लेकिन वो आज अपने हक के लिए हड़ताल करने को मजबूर हैं। राहुल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी और बहरी भी हो गई है। आपको बता दें कि देश में करीब 6 लाख आशा वर्कर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 7 अगस्त से 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। आशा वर्कर्स मांग कर रही हैं कि उन्हें टाइम से सैलरी दी जाए। उन्होंने सैलरी बढ़ाने की डिमांड भी रखी है ताकि वो कोरोना महामारी के समय जिस तरह से मदद कर रही हैं उसे जारी रख सकें। उनके संगठन की डिमांड है कि बीमा और जोखिम भत्ते जैसी सुविधाएं उन्हें भी मुहैया कराई जाएं। आशा वर्कर्स को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस भी सपोर्ट दे रही हैं। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। अगस्त महीने के शुरुआती हफ्ते में ही भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ये संख्या अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा है। कोरोना से मौत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। शुक्रवार को भी कोरोना के 60,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए और 926 लोगों की जान चली गई, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। अगस्त में पहले 6 दिनों में ही भारत में 3,28,903 फ्रेश केस रिपोर्ट हुए। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो ये संख्या 3,26,111 है और ब्राजील में 2,51,264 नए केस हैं। इन 6 दिनों में 4 दिन ऐसे रहे जब भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के केस पाए गए। 2, 3, 5 और 6 अगस्त को दुनिया में सबसे ज्यादा नए मामले भारत में ही रिपोर्ट हुए। आपको बता दें कि भारत में कुल संक्रमण का मामला 21 लाख तक पहुंच गया है। कोरोना से मौत की बात करें तो अमेरिका और ब्राजील में जहां 6,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, वहीं इस महीने भारत में अब तक 5,075 लोगों की जान जा चुकी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। वहीं बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, पंजाब और मणिपुर में अब तक के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 1-2 महीने के नवजात ने कोरोना से जंग जीत ली। दिलचस्प बात यह है कि उसे सिर्फ मां का दूध ही पिलाया गया। डॉक्टरों ने मां के दूध को कोरोना के खिलाफ हथियार बना दिया। बच्चे के माता पिता दरअसल दिल्ली में काम करते हैं। 13 जून को इस बच्चे का जन्म हुआ था। उस वक्त मां कोरोना से संक्रमित थी। कुछ दिन बाद वो ठीक हो गई और ये दंपत्ति दिल्ली से खजुराहो में अपने गांव लौट आया। 1 महीने बाद जब बच्चा बीमार हुआ तो उसका कोविड टेस्ट करवाया गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसे खजुराहो के कोविड केयर सेंटर में रखा गया था। सेंटर के प्रभारी डॉक्टर विनीत शर्मा ने बताया कि चूंकि 6 माह तक शिशु को केवल मां का दूध ही दिया जाना चाहिए, इसलिए ये बच्चा पूरी तरह मां के दूध पर आश्रित था। कोविड सेंटर में बच्चे और उसकी मां के लिए खास इंतजाम किए गए। मां की डाइट का विशेष ध्यान रखा गया। इलाज के दौरान भी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बच्चे को स्तनपान देना जारी रखा गया। नतीजा ये हुआ कि गुरुवार को बच्चे की रिपोर्ट निगेटिव आई।
हालांकि एहतियात के तौर पर अभी भी उसे कोविड सेंटर में डॉक्टरों की निगरानी में ही रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मां की ममता को महान बताते हुए डॉक्टरों को बधाई दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा के सेक्टर 39 स्थित कोविड 19 अस्पताल का उद्घाटन किया। 400 बेड की क्षमता वाला यह अस्पताल टाटा ग्रुप के सहयोग से तैयार किया गया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को उच्च कोटि की हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि 250 बेड की सुविधा वाले अस्पताल की क्षमता जल्द ही 400 बेड की जाएगी। इसमें 3 आईसीयू की सुविधा दी गई है। आईसीयू में 17 बेड की सुविधा मरीजों को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सबसे अत्याधुनिक माने जाने वाले इस अस्पताल में 10 वेंटिलेटर हैं, साथ ही 2 मोबाइल वेंटिलेटर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से 344 करोड़ की लागत से अस्पताल का निर्माण किया गया है। वहीं कोरोना वायरस से संबंधित उपचार की सुविधा बिल गेट्स फाउंडेशन और टाटा ग्रुप की तरफ से प्रदान की गई है।